तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हाउस वायरिंग में एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बात करें यहाँ पे एमसीबी की, यहाँ पे देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे आइसोलेटर ले लिया है और 10 हमारा जो एमसीबी यहाँ पे आप देख रहे हो ये टोटल 10 एम्पियर का है। हमारा 9 सर्किट है और एक इन्वर्टर का हमें कनेक्शन करना है एमसीबी बॉक्स में। वायर पहले ही डाल दिया गया है, देख सकते हैं। यह जो एमसीबी बॉक्स है 12 मॉडल का एमसीबी बॉक्स है जो फट्टी वायरिंग में यहाँ पे यूज किया जा रहा है, ओपन हम इसको लगा रहे हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों वायर की, तो यहाँ पे व्हाइट कलर की जो वायर आप देख रहे हो 1 स्क्वायर mm की, ये इन्वर्टर की वायर है। यहीं से अलग अलग रूम में हमारा इन्वर्टर का वायर चला गया है। जस्ट नीचे हमारा जब इन्वर्टर लगेगा तो यहीं से हमारा कनेक्शन हो जाएगा और सारे रूम में हमारी सप्लाई चली जाएगी। बात करें वायर की, यहाँ पे वायर हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरह से, यानी टेप लगा देंगे, यानी ड्रेसिंग कर लेंगे। अगर आपके पास केबल टाई है तो केबल टाई का यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप टेप का यूज कर सकते हैं। तो अब दोस्तों इन सारी वायरों को हमें आपस में ज्वाइन करना है। उसके बाद दोस्तों जितना हमारा न्यूट्रल की वायर है, तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी मेन वायर है जो हमने यहाँ पे डबल किया है, जो मीटर से आएगी। तो यहाँ पे जितना ब्लू कलर की वायर है 1.5 स्क्वायर mm की, अलग अलग रूम का अलग अलग जो सर्किट हमने यहाँ पे डाला है 1.5 स्क्वायर mm की, जितना ब्लू है हमारा न्यूट्रल है, बाकी जो रेड और येलो है वो हमारी फेस की वायर है, ठीक है। लोड ज़्यादा नहीं है तो हम 1.5 mm का यहाँ पे वायर यूज कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से जितना न्यूट्रल की वायरें हैं आप इकट्ठा कर लेंगे, इस तरह से टेप लगा देंगे जिससे कि वायरिंग करने में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता है। तो इस तरह से हम टेप लगा देंगे, उसके बाद आपको वायरिंग कनेक्शन करके दिखलाएंगे कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है। अब दोस्तों चलिए यहाँ पे जो हमारी फेस की जो वायर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो टोटल हमारा 9 सर्किट है और हमारा एक इन्वर्टर की वायर, यानी टोटल हमारा 10 हो जाएगा। अब दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से हमने सारे वायरों को टेपिंग कर लिया है और न्यूट्रल की जो वायर है सबसे पहले इस तरह से एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ हम मोड़ लेंगे, इस प्रकार से ड्रेसिंग कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि वायरिंग करने में हमारा कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जितना हमारा न्यूट्रल की वायरें हैं तो एमसीबी बॉक्स में जितना न्यूट्रल का टर्मिनल दिया रहता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो एक एक वायर का हम इस टर्मिनल में कनेक्शन करते चले जाएंगे। देख पा रहे हैं एक वायर का कर लिए हैं, उसके बाद दूसरे वायर का भी हम सेम उसी प्रकार से कनेक्शन कर लेंगे। यानी जितना न्यूट्रल की वायरें हैं इस न्यूट्रल के टर्मिनल में हमें कनेक्शन करना, यानी कनेक्ट करना है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा, सुझाव होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर देता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से हम न्यूट्रल की वायरें को हम कनेक्ट कर रहे हैं इस टर्मिनल में। उसके बाद दोस्तों आपको एमसीबी फिटिंग करके दिखलाएंगे किस तरह से उसका कनेक्शन किया जाता है। टोटली आपको इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा कि एमसीबी बॉक्स की फुल वायरिंग कनेक्शन कैसे करते हैं। इसमें दोस्तों इस हाउस वायरिंग में अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया गया है, ठीक है, पार्टी का डिमांड नहीं था तो अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया गया है। अब दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी, देख पा रहे हैं जितना वायर थी न्यूट्रल की हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है न्यूट्रल के टर्मिनल में। अब दोस्तों जो इन्वर्टर की वायर है हम इसको क्या करेंगे कि अभी बाद में हम कनेक्शन करेंगे, सबसे पहले आइसोलेटर को इस तरह से फिटिंग कर लेंगे। यानी जितना हमारी एमसीबी, यानी टोटल 10 एमसीबी है, इस 10 एमसीबी को एमसीबी बॉक्स में इस तरह से हमें फिटिंग कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाऊंगा किस तरह से बाकी कनेक्शन किया जाता है। मैंने कई सारा वीडियो बनाया है एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कनेक्शन पे, लेकिन हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा, लेकिन वीडियो को आपको शुरू से लास्ट तक देखना है। अब दोस्तों यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं जो हमारा आइसोलेटर है और 10 एमसीबी है, अच्छी तरीके से हमने एमसीबी बॉक्स में फिटिंग कर लिया है। अब चलिए कनेक्शन करते हैं इन्वर्टर का एमसीबी में। देख सकते हैं तो जितना हमारी इन्वर्टर की वायर है इस तरह से हमें मोड़ना है एमसीबी बॉक्स के चारों तरफ, ठीक है, अच्छी तरीके से मोड़ लेंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इस तरह से मोड़ने के बाद जो हमारा राइट साइड का जो लास्ट वाला एमसीबी है यहाँ से हम कनेक्शन करेंगे, यानी एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में हम कनेक्शन कर देंगे। देख सकते हैं इन सारी वायरों को, यानी इन्वर्टर के वायरों को अच्छी तरीके से आपस में हमने लूपिंग कर लिया है और इस एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पर हम कनेक्शन करने वाले हैं। देख पा रहे हैं स्क्रू को लूज कर लिए हैं और ये जो हमारी इन्वर्टर की वायरें हैं, ठीक है, हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। अब यहीं से दोस्तों हमारा पूरे रूम में इन्वर्टर का सप्लाई चला जाएगा।
तो बात करें इन्वर्टर का, तो इन्वर्टर हमारा इस एमसीबी बॉक्स के जस्ट नीचे ही लगेगा और उसका जो वायर होगा इस वाले एमसीबी के इनपुट वाले टर्मिनल में कनेक्शन हो जाएगा और एमसीबी ऑन करने पे बाकी रूम में हमारा इन्वर्टर का सप्लाई जाएगा। अब दोस्तों जो मेन वाली वायर है इसको भी अच्छी तरीके से हम इस तरह से टेप लगा देंगे, अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारी फेज की वायरें हैं यानी अलग अलग रूम का जो हमारा सर्किट का जो फेज है उसको भी दोस्तों इस तरह से हम ड्रेसिंग करेंगे, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। बात करें यहाँ पे देख पा रहे हैं येलो कलर का भी फेस है और रेड कलर का भी फेस है, तो रेड कलर का अलग साइड में कनेक्शन करेंगे और येलो का अलग साइड में। तो इस तरह से वायर हम मेजरिंग करेंगे, वायर का इंसुलेशन रिमूव कर लेंगे कट करने के बाद। उसके बाद हम कनेक्शन करने वाले हैं एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल पे। तो इस तरह से एमसीबी का जो स्क्रू है सबसे पहले लूज कर लेना है, उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे। तो देख पा रहे हैं इस वाले एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में हम इस तरह से कनेक्शन कर देंगे। स्क्रू को आपको फुल टाइट करना है, लूज नहीं रखना है। अगर लोड पड़ने पे अगर लूज कसे हैं तो स्पार्क करने पे एमसीबी जल जाता है। एक वायर का हमने कर लिया है, उसके बाद दूसरे वायर का सेम उसी प्रकार से कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों अगर आपके मन में किसी तरह का सवाल होगा, सुझाव होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों दो वायर का हमने कर लिया है कनेक्शन और तीसरे वायर का भी हम सेम उसी प्रकार से कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप वायरिंग कर लेंगे इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैं बतला रहा हूँ और जिस तरह से वायरिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ यार हमें भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ए टू जेड वीडियो बनाता रहता हूं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं पांच वायर जो हमारी रेड कलर की थी यहां पे हमने कनेक्शन कर लिया है, इसको अलग हमने कर लिया है साइड में। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी येलो कलर की वायर आप देख रहे हैं ये भी 1.5 square mm की वायर है, इसका भी सेम उसी प्रकार से हम कनेक्शन करेंगे, ठीक है। तो रेड कलर की जो हमारी वायर है एक साइड जो हमारा सर्किट की जो वायर हमने डाली है और येलो कलर की जो हमारी वायरें हैं दूसरे साइड की सर्किट की जो वायरें हमने डाली है, तो अलग अलग हम एमसीबी से कनेक्शन कर दिए। अब दोस्तों देख पा रहे हैं इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो लास्ट वाली जो वायर है यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से हम कनेक्शन कर लेंगे। यानी यहाँ पे टोटल हमने इस एमसीबी बॉक्स में 9 सर्किट का कनेक्शन कम्प्लीटली हमने किया है और एक हमारा जो एमसीबी है वो इन्वर्टर से हम कनेक्शन कर दिए हैं। तो इसी तरह से अलग अलग रूम का अलग अलग सर्किट का हमने कनेक्शन कर लिया है, एमसीबी के आउटपुट में हमने यहाँ पे कनेक्शन किया है घर का लोड का। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आधा हमारा यहाँ पे तकरीबन कनेक्शन यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है, बाकी आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे किस तरह से बाकी कनेक्शन किया जाता है। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो वायरें हैं थोड़ा सा हम ड्रेसिंग कर देंगे जिससे कि थोड़ा इसका लुक और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि 9 MCB को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे वायर का हमने लूपिंग किया है, देख पा रहे हैं बसवार पत्ती इसमें नहीं दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम वायर का यहाँ पे लूपिंग किए हैं इस प्रकार से देख सकते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों जो इन्वर्टर का जो MCB हम यहाँ पे लगाएं उसको छोड़ के बाकी हमारा टोटल जो 9 MCB है 9 MCB को इस वायर से हमें कनेक्ट कर देना है। यहाँ पे एक वायर का यहाँ पे कर लिए हैं यानी 1 MCB में, उसके बाद दूसरे MCB में कर लेंगे। तो इसी तरह से दोस्तों 9 MCB को वायर से हमें कनेक्ट कर लेना है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हो। बात करें यहाँ पे वायर जो जिसमें आप बड़ा वायर आप देख रहे हो जो हमारा 5वां MCB है उसमें हमने ये वायर का लूपिंग किया जो बड़ा वायर है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये जो आइसोलेटर के आउटपुट से हमारा कनेक्शन होगा तो जो लोड आएगा हमारा इस MCB के बीच वाले में वायर जो हमने कनेक्ट किया यहीं से आधा आधा जो हमारा लोड है ये बढ़ जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जूम करके मैं दिखला रहा हूँ और यहाँ पर जो हमारा लास्ट MCB है ये देख लीजिए। अब टोटल जो हमारी 9 MCB है हमने वायर से इस तरह से लूपिंग कर लिया है, कनेक्ट कर लिया है। बसवार पत्ती है तो आप बसवार पत्ती लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो वायरें आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो सिंगल वायर है ये हमारी जो जाएगी कनेक्शन होगा आइसोलेटर के आउटपुट में। तो वायर का इंसुलेशन हम इस प्रकार से रिमूव कर लेंगे कनेक्शन करने के लिए, देख पा रहे हैं, और इस तरह से मोड़ लेंगे। अब हम कनेक्शन करेंगे जो हमारा आइसोलेटर के आउटपुट में हम यहाँ पे कनेक्शन करने वाले हैं, जो हमारा आइसोलेटर ये 63 एम्पियर का है, ठीक है। तो इस तरह से वायर को हमें मोड़ लेना है, ठीक है,
और यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस साइड में हम दोस्तों कनेक्शन करने वाले हैं। अब यहाँ से इस आइसोलेटर से जो हमारी फेस सप्लाई आउट होगी तो एमसीबी में हमारी सप्लाई इन हो जाएगी, और टोटल हमारा जो 9 एमसीबी है हमने यहाँ पे वायर का लूपिंग किया है। और जब एमसीबी को ऑन करेंगे तो जितना हमारा लोड की वायरें हमें एमसीबी में आउटपुट में हमने कनेक्शन किया, यानी अलग अलग रूम का यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। बात करें इन्वर्टर का, तो फिलहाल अभी इन्वर्टर नहीं लगा है, तो एमसीबी के आउटपुट में इन्वर्टर का केवल कनेक्शन करके छोड़ दिए हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि न्यूट्रल वाले टर्मिनल में हम एक वायर का कनेक्शन करेंगे। ब्लू कलर का वायर आप देख रहे हो, ये न्यूट्रल की जो वायर है आइसोलेटर के आउटपुट में हम कनेक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल के टर्मिनल में हम इस वायर का कनेक्शन कर लिए हैं। उसके बाद वायर का इंसुलेशन हम इस प्रकार से रिमूव करेंगे और हम कनेक्शन करेंगे आइसोलेटर का जो हमारा आउटपुट का यानी न्यूट्रल का जो पॉइंट है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, स्क्रू को लूज करने के बाद हम इस वायर का कनेक्शन कर देंगे। अब दोस्तों जो हमारा आइसोलेटर से, ठीक है, न्यूट्रल और फेस का कनेक्शन कम्प्लीटली एमसीबी में और न्यूट्रल का भी हमने यहाँ पे कनेक्शन कर लिया है, यानी न्यूट्रल फेस का कनेक्शन हम इस एमसीबी बॉक्स में हमने कर लिया है, ठीक है, आउटपुट का। अब दोस्तों केवल हमें इसमें इनपुट का कनेक्शन करना है, जो हमारी मीटर से सप्लाई आएगी उसका हमें कनेक्शन करना है, वो भी आपको करके दिखलाएंगे। ये जो वायर आप देख रहे हो ये हमारी मेन वायर है जो मीटर से आउटपुट होगी, ठीक है। इस वायर को हमने यहाँ पे डबल कर लिया है क्योंकि 1.5 स्क्वायर एमी की वायर है, तो अगर ये सिंगल वायर लगाते तो लोड पड़ने पे, ठीक है, वायर हमारा हीट होके जल जाता, तो हमने इसलिए डबल कर लिया। अब इसको भी दोस्तों हम इस तरह से चारों तरफ एमसीबी बॉक्स के हम मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद दोस्तों जो हमारा आइसोलेटर का इनपुट का पॉइंट है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से आपको करके दिखलाएंगे। वायर हमारा थोड़ा बड़ा है तो वायर कट कर लेंगे, उसके बाद वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे, उसके बाद आपको कनेक्शन करके दिखलाएंगे। ये हमारा जो वायर है मेन वायर है, ठीक है, जो हमारी मीटर से वायर आई हुई है, ठीक है, यानी हमारी इनपुट की वायर है इस एमसीबी बॉक्स की, ठीक है दोस्तों, यानी आइसोलेटर में हमें इसे कनेक्शन करना है। तो वायर हमने यहाँ पे जो हमारी फेज वाली वायर है इस तरह से हमने वायर को डबल कर लिया है, यानी लूपिंग कर लिया है। वायर अगर बड़ा है तो कट कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा देख पा रहे हैं इस साइड में हमने यहाँ पे कनेक्शन करना है फेस का, देख पा रहे हैं दोस्तों राइट साइड में, ठीक है। तो अब हमारा फेस का कनेक्शन हो गया है आइसोलेटर में, इनपुट का और आउटपुट का हमने पहले ही कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों हम न्यूट्रल का कनेक्शन सेम उसी प्रकार से कर लेंगे जिस प्रकार से ये फेस वाली जो वायर है उसका हमने कनेक्शन किया है। वायर का इंसुलेशन हम रिमूव कर लेंगे इस प्रकार से, और दोनों वायर को आपस में इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। और आइसोलेटर का जो हमारा न्यूट्रल का पॉइंट है यानी जो हमारा यहाँ पे पॉइंट बचता है यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। तो अब दोस्तों न्यूट्रल का भी हमने यहाँ पे कनेक्शन जो है इनपुट में कंप्लीट हमने कर लिया है, यानी इस एमसीबी बॉक्स की फुल वायरिंग कनेक्शन हमने कर लिया है। केवल इन्वर्टर का छोड़ के केवल इन्वर्टर में इनपुट का कनेक्शन करना है और अर्थिंग का कनेक्शन नहीं हुआ है, पार्टी का डिमांड नहीं था। बाकी जो हमने यहाँ पे कनेक्शन आपको करके दिखलाया है स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एमसीबी बॉक्स की वायरिंग कनेक्शन किया जाता है, वायर की भी हमने यहाँ पे डिटेल आपको बतलाया है दोस्तों। तो बात करें यहाँ पे जो एमसीबी बॉक्स में इनपुट की वायर है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बाहर साइड में हमारा मीटर रहेगा और यहीं से सप्लाई हमारा डीबी तक जाएगा। अब दोस्तों सप्लाई हमने दे दिया इस एमसीबी बॉक्स में, अब आइसोलेटर को भी ऑन कर लिया है, एमसीबी को इन्वर्टर वाला छोड़ के बाकी हमने यहाँ पे ऑन कर लिया है। देख पा रहे हैं दोस्तों जो सीलिंग में हमारी जो लाइटें हैं वो जल रही हैं, बोर्ड में भी हमारा सप्लाई आ चुका है, बल्ब भी हमारा जल रहा है। बात करें यहाँ पे फ़ैन की तो फ़ैन भी हमारा यहाँ पे चल रहा है, यानी 100% हमारा वर्किंग में है। बाहर की लाइटें आप देख रहे हैं वो जल रही हैं, देख सकते हैं जो पोर्च में लाइट लगी हुई हैं, यानी कहीं पर भी दोस्तों हमारा फॉल्ट नहीं है। अंदर रूम का भी यहाँ पर आप देख सकते हो, बोर्ड में भी हमारा इंडिकेटर यहाँ पर जल रहा है, यानी दोस्तों हमारा कहीं पे भी फॉल्ट नहीं है। पूरा हमारा जो हमने वायरिंग किया है वो कम्प्लीटली सही है। चेक वगैरह करने के बाद इसका जो कवर है कवर हम लगा देंगे, फाइनली हमने लगा दिया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।